Hey guys, welcome back to another video of commemorated star. Proud moment for an Indian. Yaar, we are proud to be Indians. We defeated Nepal 3-0 in SAFF Championship. Bhai sahab, India jeet gaya hai SAFF Championship 3-0 se. Aur bahut zyada proud moment hai ye hum sab Indians ke liye. Dekho, main manta hu humne koi bade uske liye qualify nahi kiya hai. Lekin bhai, qualify karna aur wo bade tournaments mein khelne ke liye progress chahiye hota hai. Agar wo hai तो मतलब सब अच्छा है. अब कुछ लोग बोल रहे हैं, भाई देखो यार, सुनील छेत्री के 80 गोल्स हो गए. पेले का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई सुनील छेत्री ने, पेले लेजेंड पेले, ओके. और मेस्सी का रिकॉर्ड इक्वलाइज किया 80-80 दोनों गोल अपने इंटरनेशनल टीम्स के लिए. लोग बोल रहे हैं इसने छोटी टीम्स के खिलाफ गोल मारे. भाई गोल मारे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा. उसमें भी लोग नेगेटिव निकाल रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं देख रहे बंदे का. बंदा इस एज पे, उसकी एज 37 ईयर्स है शायद से, 37 या 38 की एज में बंदा इतना खेल रहा है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, पिछले चैंपियनशिप से गोल मारते हुए. और कौन कौन भाई, प्रेज टू सुनील छेत्री यार, लेजेंड लेजेंड. और जब वो बंदे से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सर आपने पेले का रिकॉर्ड तोड़ा, आपको कैसा लगा, आपने मेसी का रिकॉर्ड इक्वलाइज किया, क्या सिंपल आंसर है बंदे का, उसने कहा भाई कोई कंपैरिजन नहीं है, मुझे कंपैरिजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस मेरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे लिए उतना ही काफी है. खत्म खत्म यार. लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा लोग ऐसा क्यों कह रहे. भाई बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है और ये फ्यूचर की तरफ एक बड़ा स्टेप है इंडिया का, मैं तो कहूंगा. क्योंकि जब प्रोग्रेस आपको दिख रहा है तो आगे ऐसा प्लेयर आया है, आगे इससे अच्छे प्लेयर आएंगे भाई. और जिस तरीके से इंडिया खेली है नेपाल के खिलाफ, देखो यार, नेपाल की टीम को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ठीक है. इतनी भी नीचे की टीम नहीं है यार, कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग. मतलब यार बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है. आगे बात करते हैं, कल लिवरपूल वर्सेस वाटफोर्ड में मो साला का गोल, वो रोबर्टो फर्मिनो की हैट्रिक, वो सैडियो माने का 100th प्रीमियर लीग गोल एज एन अफ्रीकन. लिवरपूल ऑन हाई, लिवरपूल आर, मतलब भाई लिवरपूल अलग ही लेवल पे चल रहा है इस प्रीमियर लीग में फिर से. क्योंकि चांसेस, जब तक के क्लोप भैया है, क्लोप चाचा चांसेस बढ़ा रहे हैं जीतने के, और मो साला भाई दो गोल मारे और दोनों भी गोल ऑफ द कंटेंडर्स बन सकते, मतलब वो ही जीतेंगे, मुझे तो लगता है वो ही जीतेंगे. वॉटफोर्ड के खिलाफ वो बंदा ऐसा निकल रहा था ड्रिबलिंग करके वो प्लेयर्स के बीच में से, जैसे कि वो प्लेयर्स है ही नहीं, वहां पे खाली ग्राउंड है. वो बंदा इतनी स्पीड में निकला, उसने पहले शूट मारने, भाई सामने वाले प्लेयर को डिस्ट्रॉय किया उसने. और जब वो गोल मारने वाला था ना, उससे पहले उसके टीममेट सेलिब्रेट करना शुरू कर दिए थे वहां पे. उनको पता था भाई वो स्पॉट पे से मो साला जब लेफ्टी से शूट मारता है तो गोल जाता ही है. रोबर्टो फर्मिनो की वहां पे हैट्रिक, बड़े दिनों बाद कोई ऐसा प्लेयर उभर के आया सामने रोबर्टो फर्मिनो, और बहुत अच्छा लगा वहां पे फर्मिनो ने हैट्रिक मारा. लेकिन क्या है ये इन लोगों को ट्रोल्स हर जगह सुझते हैं इन लोगों को. भाई मतलब फर्मिनो ने हैट्रिक मारी तो मजाक उड़ा के बोल रहे फर्मिनो डिजर्व बैलेंट डी'ओर, फर्मिनो डिजर्व. अरे भाई प्लेयर ने अच्छा किया, वो प्लेयर स्ट्रगल कर रहा था. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ फर्मिनो बुरा फॉरवर्ड है, मैं कह रहा हूँ कि हर प्लेयर अपने करियर के एक टाइम पे स्ट्रगल करता है गोल्स मारने में, बुरा टाइम चलता है उस प्लेयर का थोड़ा. तो उस बंदे ने कल हैट्रिक मारी तो उसको प्रेस करने की जगह तुम लोग उसका मजाक उड़ा रहे हो. भाई ठीक है ठीक है, एक जगह होते हैं ट्रोल्स, एक जगह होते हैं फैंस, लेकिन थोड़ा संभल के ना यार बैलेंट डी'ओर. और एक बात, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि क्लोप भैया कह रहे हैं कि मो साला इज ओनली द बेस्ट राइट विंगर फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड राइट नाउ, मतलब मो साला से अच्छा कोई है ही नहीं इस पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में अभी के लिए. देखो यार, मैं भले ही लिवरपूल फैन नहीं हूं, लेकिन मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा ईमानदारी से बात कर रहा हूं, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था. देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मो साला बहुत बुरा है, भाई खतरनाक प्लेयर है, फाड़ू प्लेयर है और बैलेंट डी'ओर के लिए नॉमिनेटेड है और होना भी चाहिए. लेकिन लेवेंडोस्की और करीम बेंजिमा, मेसी का तो पता नहीं, रोनाल्डो और मेसी भी अभी करके दिखा रहे हैं ना, तो ही इज नॉट ओनली द बेस्ट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट, वो वन ऑफ द बेस्ट है. मतलब कई सारे बेस्ट प्लेयर्स हैं, उनमें से एक है, और अगर वो और अच्छा करे तो वो बैलेंट डी'ओर का हकदार है, जरूर है. तुम लोग कमेंट्स में गालियां मत लिखना, क्या ऐसे ऐसे मो साला को ऐसा बोल दिया, नहीं भाई, मो साला इज वन ऑफ द बेस्ट, ही इज नॉट ओनली द बेस्ट, समझ में आ रहा है, ठीक है. आगे बात करते हैं हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड और लेसिस्टर सिटी. भाई ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होने वाली, और ओले की जॉब तो खतरे में है.
ओले की जॉब 100% खतरे में है, क्योंकि भाई जब आप अपना पहला ही फिक्चर लेसेस्टर सिटी से हार रहे हो, अपने अगले फिक्चर्स देख लो भाई कौन कौन है, अटलांटा है, लिवरपूल है, आगे आर्सेनल से आपको लड़ना है, मैनचेस्टर सिटी से लड़ना है, तो आप लेसेस्टर सिटी से यार, और क्या गेम था यार वो मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लेसेस्टर सिटी का, भाई मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। और मैं तो इतना ही कहूंगा यार कि रोनाल्डो ने वहां जाके बिल्कुल भी गलती नहीं की, रिग्रेट नहीं करना चाहिए रोनाल्डो को, क्योंकि अगर उनका मैनेजर पिछले सीजन तुम लोग को देखा होगा, ओले वॉज ऑन द व्हील, अगर पेप गार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी लगातार वो 15 मैच नहीं जीतती, लगातार वो नहीं जीतती, तो 100% मैन यूनाइटेड कंटेंडर्स थे टाइटल के। तो ओले पर मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे ओले इससे आगे अगर 6-7 मैच और हारता है लगातार, तो उसकी जॉब खतरे में पड़ सकती है। और यूसीएल में भाई हारा तो फिर 100% खतरे में है, क्योंकि अब मैन यूनाइटेड किसको कोच अपॉइंट करेगा यार, मोरिनो था पोगबा के साथ, जमी नहीं मोरिनो की, है ना। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैन यूनाइटेड को कोंते को लाना चाहिए, हाँ कोंते को लाना चाहिए, कोंते बहुत अच्छा कोच है। देखो यार इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बट प्राउड टू बी एन इंडियन, मो साला फॉर द बैलन डी'ओर, हाँ जरूर मैनचेस्टर यूनाइटेड को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है शॉर्ट में मैं बताऊं तो। और भाई जो ये लोग बोल रहे ना छोटी टीम्स के खिलाफ गोल मारा है सुनील छेत्री ने, और भाई कुछ भी नहीं, जब वो आया था ना तब हिस्ट्री नहीं बनी थी, समझे, जब वो आया था तब हिस्ट्री बिगड़ी हुई थी इंडियन फुटबॉल की, इतनी हिस्ट्री नहीं बनी हुई थी, उसने आके हिस्ट्री बनाई, उसने इंडियन फुटबॉल को थोड़ा ऊपर उठाया, वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। हाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग।